नमस्ते किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे रोनफेन इंसेक्टिसाइड के बारे में। दोस्तों, इस इंसेक्टिसाइड के अंदर कौन कौन से टेक्निकल मौजूद है, क्या मोड ऑफ एक्शन है इस इंसेक्टिसाइड की, कौन कौन से इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकता है, कौन कौन सी क्रॉप पर स्प्रे कर सकते हैं, डोज क्या रहेगी, प्राइस क्या रहेगी, सभी कुछ जानेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के साथ, और आप अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, रोनफेन इंसेक्टिसाइड काफ़ी पावरफुल इंसेक्टिसाइड है रस चूसक कीटों के लिए। इसमें तीन केमिकल कंपोजिशन हैं जिसकी वजह से यह काफ़ी पावरफुल इंसेक्टिसाइड है। यह इंसेक्टिसाइड बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड कंपनी का प्रोडक्ट है जिसमें तीन केमिकल कंपोजिशन हैं मौजूद। तो दोस्तों, बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन की। तो पहले नंबर पर आता है प्राइरी प्रोक्सोफिन 8%, जो कि सभी रस चूसक कीटों को कंट्रोल करता है। इसमें मुख्य रूप से वाइट फ्लाई, जेसीड, एफिड, थ्रिप्स और मिलीबग शामिल है। नंबर दो पर आता है डाइनोटेफ्रॉन 5%, जो कि मुख्य रूप से रस चूसक कीटों को नियंत्रित करता है। नंबर तीन पर आता है डाइफेंथ्रोन 18%, जो कि कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है, जो कि किसी भी इंसेक्ट के संपर्क पर आने पर उसको अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। बात करते हैं आप इसके इंसेक्ट कंट्रोल के बारे में, तो मुख्य रूप से वाइट फ्लाई, जेसीड, थ्रिप्स एवं मिलीबग को भी अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। बात करते हैं आप इसकी क्रॉप के बारे में कि कौन कौन से क्रॉप पर स्प्रे कर सकते हैं, तो इसको मुख्य रूप से बैंगन, कपास, मिर्च, भिंडी, तुरई, गिलकी, करेला एवं टमाटर एवं मुख्य रूप से सभी सब्जी वर्गीय फसलों पर इसका स्प्रे किया जा सकता है। बात कर लेते हैं आप डोज के बारे में, तो इसकी जो डोज है वो 15 लीटर पानी में 35 ml और 200 लीटर पानी में 350 ml लेकर आप एक एकड़ पर स्प्रे कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी प्राइस के ऊपर, तो दोस्तों इसका जो 500 ml का प्राइस है वो लगभग 1350 रुपये के आसपास आता है, और जो एक लीटर का प्राइस है वो लगभग 2700 से 2800 रुपये के आसपास आता है। प्राइस आपके एरिया के हिसाब से वेरिएशन हो सकता है। और दोस्तों, काफ़ी पावरफुल इंसेक्टिसाइड है जो कि कॉटन के अंदर सभी रस चूसक कीटों को अच्छे से नियंत्रण करता है, और कपास की फसल के लिए काफ़ी पावरफुल इंसेक्टिसाइड है जो कॉटन की क्रॉप को काफ़ी स्मूथली फ्रेश रखता है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी आपको कृषि संबंधित सभी जानकारियाँ इस चैनल पर मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।